जी वेलकम बैक टू ए प्लस मॉर्निंग. हमारे साथ है इस वक्त RoXen बैंड और बैंड मेंबर्स हैं मुस्तफा, हैदर और शाहान. बहुत शाहाना नाम है इनका, शाहाना जुल्फी और शाहाना नाम. हाँ मैं शायान कहने वाली हूँ, बट शाहान बड़ा अच्छा नाम है. क्या मतलब है इसका? कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन ऐसे नहीं है, कुछ है बस. कुछ पता नहीं है. देखिए जरा ख्वातीनो हजरात कितने कैजुअल हैं हम लोग. इनको अपने गाने के लिरिक्स नहीं आते, उनको अपने नाम के मतलब नहीं आता. मुझे कुछ भी नहीं आता. अच्छा जी, तो थोड़ा सा हैदर पाइन से गप ना लगाए, बहुत खामोश है भाई जान, इनको जगा लेते हैं. हाँ जी, जरूरी जरूरी. अच्छा नहीं, आई वॉन्ट टू आस्क कि आप लोग बैंड मेंबर्स तीनों इकट्ठे कैसे हुए? बिकॉज अक्सर कभी यूं होता है कि बचपन से जानते थे या कुछ अरसे से इकट्ठे बजा रहे थे, कभी यूं होता है कि किसी एक की तलाश थी तो बाकायदा ढूंढ रहे थे कि कौन अच्छा प्ले करता है. तो हैदर, हाउ डिड यू गाइस गेट टुगेदर? मैं ओरिजिनली पहले बजाता था आतिफ और गौहर के साथ, जो कि जल बैंड में चले गए. अच्छा. मुस्तफा यूज टू बी आतिफ्स कॉलेज फेलो, तो मैं उसके थ्रू. ये बड़ा टैलेंटेड कॉलेज था. उसके थ्रू जो था मुस्तफा मुझे मिला. और इनिशियली जो था मेरा भाई ने ज्वाइन किया था बैंड RoXen, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बजाते बजाते मैं भी साथ में आ गया. तो भाईजान कहाँ है? भाईजान इस टाइम पर नौकरी कर रहे हैं. अच्छा, उन्होंने बैंड छोड़ दिया. हाँ, वही मैं सवाल पूछना चाहता था. आप लोग म्यूजिशियन हैं लेकिन करते क्या हैं? काम क्या करते हैं? क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है. अच्छा, सवाल पूछा. अच्छा, गाना गाते बहुत अच्छा. काम क्या करते हैं? जुनेद सही है, क्योंकि अक्सर म्यूजिशियंस या सिंगर्स एक नौकरी या बिजनेस कर रहे होते हैं और साथ ये कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक ट्रिकी सा बिजनेस है. आप इनकम कब जनरेट करें, कितनी करें, ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं, यू नो, सो सिक्योरिटी का थोड़ा इशू हो जाता है. तो इनके सवाल का जवाब दिया जाए. जी हाँ, तो आप लोग करते क्या है? मैं कुछ भी नहीं करता. शाहान? बिल्कुल कुछ नहीं. बस म्यूजिक ही सब कुछ है. आप म्यूजिक? बस म्यूजिक. इसका मतलब है कि माशाल्लाह खाते पीते म्यूजिशियंस हैं. इनको कोई टेंशन नहीं हुई कि हम कुछ और भी करें. बिल्कुल बिल्कुल. ये चीज होती है कि अगर आपके पास इतने कॉन्सर्ट्स हो, इतना काम हो, तो बिल्कुल. ये बहुत वैसे आजकल के हालात में, क्योंकि पाकिस्तान में लोकल शोज नहीं है, सो इतने ज्यादा नहीं है, सिक्योरिटी रीजन से इजाजत ही नहीं मिलती. और ऊपर से गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने 65% टैक्स लगा दिया टिकट के ऊपर कॉन्सर्ट की. तो वो जो 65% टैक्स लगा दिया उन्होंने टिकट के ऊपर, जो टिकट की कॉस्ट होगी उसका 65% जो है आपने टैक्स देना है. तो जो कॉन्सर्ट होते थे अब वो भी नहीं हुआ करेंगे. कोई नहीं रहते, कोई नहीं रहते. अच्छा, वो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि ये सवाल करें कि आप इतने टॉल क्यों हैं. मुझे सवाल पूरा करने दे. आप इतने टॉल क्यों हैं? क्या आप योको हैं? यार मैं इतना टॉल क्यों? आई एम जस्ट 6'1" काफी लेट. आई थिंक 2009 के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया. शाहान, एक्चुअली वी मेट शाहान इन दुबई. वी वर डूइंग अ शो इन दुबई एंड ही वाज प्लेइंग विद नूरी एट दैट टाइम. और मैंने नूरी की वीडियो में देखा. नहीं, वीडियो में नहीं होगा. फोटो में हम लिफ्ट में मिले, हम रूम से और बात शुरू हुई. तो लेट मी स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर एंड आप जानते ही हैं मैं शान तो गान नहीं जानता. जब लड़का लड़की मिलते हैं तो प्यार हो जाते हैं, और जब दो लड़के मिलते हैं और जब म्यूजिशियंस होते हैं तो दोस्ती हो जाती है और बैंड मेंबर्स बन जाते हैं. अब अगला कौन मिल रहा है आपको लिफ्ट में? अब बस, अब हम लिफ्ट में जाओ, सीरियस से जाते हैं. क्या तो बैंड बना नहीं हुआ. अच्छा जी, कौन है साथ? अस्सलाम वालेकुम, ए प्लस मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं? फरुख बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर. बिल्कुल फरुख साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक. आप सुनाए, यहाँ के फ्री हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में. RoXen बैंड हमारे साथ है जी, कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा, जस्ट एक्चुअली कि
मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे मतलब आपके जो कॉलर्स होते हैं, दो तरह के कॉलर्स होते हैं, एक वो होते हैं जो 6 महीने साल बाद कॉल करते हैं या एक हाथ दफा करते हैं, और एक जैसे जो रेगुलर कॉलर्स होते हैं, आपका मतलब कभी दिल नहीं करता हमें रेगुलर कॉल मतलब कॉल करते हैं तो कौन है कैसी है मतलब? बिल्कुल सर, आपको हम शो पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ, जरूर दावत है, हमारा भी दिल करता है हम एक्सपीरियंस करें। हमारे जारी बात है, हम सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो हम तो ये देखना चाहेंगे ना कि मतलब हम भी चाहेंगे कि हमारे घर वाले फ्रेंड्स हमें कॉल करें। सर, हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे और आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ बुलाएंगे। आप बताएं किसके साथ आना चाहेंगे? रेशम को बुला लें, वो तो मेरा हाल है आपके जाने से, काफी वो ड्रामा में काम भी कर रही है। अच्छा चले, आप ये बताएं आप करते क्या है? जी मेरा इंटीरियर से रिलेटेड काम है। ये जो जी जी ये दीवारों के ऊपर जो सीटेज होती है ना, उसको हम उसके ऊपर हम पीवीसी वॉल पैनलिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने मतलब कोशिश भी की है एक दो दफा आपके शो में आधे घंटे के टाइम के लिए, लेकिन वो मतलब कोई सिलसिला बन नहीं सका ना। अच्छा फारूक साहब, आपने आज फोन बंद नहीं करना, अभी जब यहाँ से कॉल फिनिश होगी तो आप अपना नंबर लिखवा दें, इंशाल्लाह जरूर मैं अपनी टीम से बात करती हूँ और आपको यहाँ बुलवाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मैंने कहा कोई फरमाइश भी कर लेते, उन्होंने कहा थैंक यू, उन्होंने रेशम की फरमाइश कर दी। नहीं बिल्कुल, व्हाई नॉट, आई थिंक बड़ा मजेदार आइडिया होगा। बल्कि उस दिन भी हम सिद्रा से ये बात कर रहे थे, बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारी एक और रेगुलर कॉलर है कि आओ शो पे, और बल्कि वो तो हमारे लिए नाश्ता लाएंगे तो हम बुलाएंगे भी। जी तो आपके भी माशाल्लाह इतने अरसे में जो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है, तो ऐसे फैंस होंगे जो कि रेगुलर फैंस हो गए और वो भी कहते होंगे आप हमें अपने वीडियो में क्यों नहीं लेते। लोगों की एसोसिएशन बन जाती है आपको देख के, आपको सुन के। जब हम ऑब्वियसली बचपन में सुनते थे जुनून को या बैंड्स को, तो एक एसोसिएशन अब हम नजर आता है जब लोग हमसे एसोसिएट कर सकते हैं, अपसेट होते हैं इफ वी डोंट रिलीज एन एल्बम और इफ वी डोंट रिलीज म्यूजिक। एंड आई थिंक दैट बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर फैंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, एंड आई थिंक यू हैव टू रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड। यस, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लॉइट दैट बॉन्ड। एंड आई थिंक इफ यू फुलफिल दैट रिलेशनशिप, इफ यू यू नो बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू दैट रिलेशनशिप, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली द की टू सक्सेस ऑफ वन म्यूजिशियन। सही बात है बिल्कुल। और तर्जुमा करूं थोड़ा सा उर्दू में? नहीं चले कोई बात नहीं। नहीं बात यह कि फैंस ही एक आर्टिस्ट को बनाते हैं, क्योंकि फैंस पसंद करेंगे तो आर्टिस्ट आएगा सामने। जब फैंस को ही नहीं पसंद आएगा, कोई फैन ही नहीं होगा, तो फिर कोई नहीं उसको बिठाएगा। तो वो चाहे म्यूजिशियन हो, एक्टर हो, होस्ट हो, जो भी हो, वो आर्टिस्ट हो, उसको फैंस तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके कोई ऐसे फैंस है जिनका आप नाम लेना चाहेंगे कि भाई रेगुलर फैंस? रेगुलर हमारे रेगुलर कॉलर्स होते हैं, हार्ड कोर इतने ज्यादा है कि वो सोच रहे हैं किसका। किसी एक दो का नाम लिया तो वो फिर क्या कहते हैं, ऑफेंड हो गया, ऑफेंड हो गया, बाकी ऑफेंड। इस बात के दो मतलब हो सकते हैं, या तो है कोई नहीं और या बाकी इतने ज्यादा है कि वो या याद नहीं है। गाना सुनेंगे जी, गाना सुनेंगे। चलें जी, वी विल डू द न्यू सॉन्ग व्हिच वी जस्ट डन। आज तो लंबा, ठीक है, और ये भी साथ गाएंगे बिकॉज जी बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट चाहिए हमें। माइक इस तरह गाएंगे वो फिर वो गिटार ठीक है। 1 2 3 4 प्यारा तेरी बाहों का सहारा मिल गया।
नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल थैंक यू जिन्होंने ये जिनका ओरिजिनल गाना है बनी ही वाज हैप्पी विद आप बनाने का ही वाज वेरी हैप्पी यस एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई थिंक ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन वी हैव मेट इन द इंडस्ट्री जब हम काम भी कर रहे जब यू डूइंग द वीडियो व्हेन वी हर्ड हिज सॉन्ग फर्स्ट टाइम जब उन्होंने वोकल्स भेजे तो मैं और फैसल you know Faisal our manager we were sitting in the studio and we had goosebumps all over our body it was such a touchy experience for us because humne bachpan mein ek cheez suni ho you guys back of your mind oh we're nostalgic feeling hoti hai where is he he's in Karachi he's working but the good news is that we remember when we were doing the video he said ke this is going to be my comeback now I want to do music one more time now music matlab aap log is track ne unko dobara inspire kiya music ka yes he said ke you know I'm thankful to you and I want to do music one more time acha Mustafa स्टूडियो शूट वगैरह तो ही पिक्ड अप अ गिटार एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग उनका एक वो गाना था ना हो जाऊंगा वो बहुत अमेजिंग गाना है तो आजकल म्यूजिशियंस काफी कवर्स करते हैं और वो बहुत हिट भी हो जाते हैं आई पर्सनली फील कि वो अच्छी बात है बिकॉज नई जनरेशन को पुराना एक वो होता है ना सुना नहीं होता वो दोबारा उनको या कोई कई लोग भूल चुके होते हैं वो दोबारा उन्हें याद हो जाता है आपने भी कवर किया आपका इस बारे में क्या ख्याल है अच्छा जब मजेदार बात ये है जब हमने सॉन्ग इनिशियली द रिस्पॉन्स वॉज क्वाइट ओके बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट हैज हैपेंड टू रोज़न इन पास्ट फ्यू इयर्स दैट वी हैव माशाल्लाह बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग इन इंडिया एज़ वेल तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत फिल्मी म्यूजिक हम लोगों से बट एक्चुअली तो वी वॉन्ट दिस इज द काइंड ऑफ म्यूजिक वी वॉन्ट टू डू एंड दिस इज द काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर नोन फॉर इन पाकिस्तान सॉफ्ट रॉक पॉप टाइप तो अ लॉट ऑफ पीपल बहुत से लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली के यू नो दिस वाज वन the older tracks and but then when the song went out properly on the yeah. television station and everywhere I heard it in the cars now we sang it on the show the response was amazing and I think mashallah now we are getting super feedback for the show kya baat hai acha ek break pe jana hai aur ek gana ho jaye gana to bhi gaya abhi gaya wapas aa gaya unko bhi break chahiye koi baat nahi it's okay understandable break lete hain aur wapas aate hain a plus morning